दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल करते हुए नेचुरल फिटनेस। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं। तो आपका टाइम बर्बाद करे बिना आपको शुरू करते हैं वीडियो का टॉपिक। जो वीडियो का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारे किस मसल के लिए बनी है, किस मसल को टारगेट कर रही है वो हमें मालूम नहीं होगा तो हम सही से उस एक्सरसाइज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वही है कि हम एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ये एक्सरसाइज आपके किस मसल को टारगेट करती है और आप जब भी वर्कआउट करें तो आपको पता होगा कि ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो इस मसल को टारगेट कर रही है और सही से बेनिफिट ले पाएंगे। तो आज जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा वो है स्क्वाट। स्क्वाट जो हम बैक स्क्वाट लगाते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्क्वाट हम किस तरीके से लगाते हैं। ये स्क्वाट एक्सरसाइज आपके किस मसल को टारगेट करती है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो स्क्वाट एक्सरसाइज आपके रेक्टस फेमोरिस मसल को टारगेट करती है। जो सामने की थाई है, स्क्वाट थाई, वो वहाँ पे आपका मसल सबसे ज्यादा टारगेट होता है, रेक्टस फेमोरिस। उसके बाद वास्टर लेटरलिस, वास्टर मीडियलिस मसल और वास्टर इंटरमीडियलिस मसल, ये चार मसल आपके टारगेट होते हैं जब भी स्क्वाट लगाते हैं। ये स्क्वाट एक्सरसाइज आपके सामने की थाई के मसल को टारगेट करती है। क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जो भी हम कोई भी काम कर रहे हैं वो काम हम किस लिए कर रहे हैं वो हमें मालूम होगा तो उस काम को बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। हमें मालूम होगा कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारे किस मसल के लिए टारगेट कर रही है, उससे हमें सही बेनिफिट उस एक्सरसाइज का होगा। क्योंकि जिम में अक्सर ट्रेनर लोग कहते होंगे आपको कि माइंड मसल कनेक्शन करें। माइंड मसल कनेक्शन तब होगा जब हमको मालूम होगा कि जो भी मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो एक्सरसाइज है हमारे किस मसल को टारगेट कर रही है। तो केवल आपके रेक्टस फेमोरिस मसल, सामने की थाई मसल एंगेज नहीं होगी, आपकी दूसरी मसल भी एंगेज होती है जब भी स्क्वाट लगाते हैं। वो असिस्टर मसल की तरह काम करती है। असिस्टर मतलब सहायक करना, सहायक कारक, जो आपकी मसल सहायक करती है आपको वेट लिफ्ट करने में, इस तरीके से आपको मदद करती है। तो कौन सी मसल आपके सहायकारक मदद है, असिस्ट मसल है, तो हैमस्ट्रिंग मसल, हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। उसके बाद ग्लूट मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस। उसके बाद अडक्टर मसल ग्रुप, आपके काप्स मसल और सोलियस मसल, ये सारे मसल आपके एक असिस्ट मसल की तरह काम करते हैं जब भी आप स्क्वाट लगाते हैं। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, जो मैंने बनाई है कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो किस मसल के लिए कर रहे हैं, किस टारगेट कर उससे आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप भी बता सकते हैं कि आपको कौन एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज के बारे में जानना है, कि एक्सरसाइज किस मसल के लिए बनी है, किस मसल को टारगेट कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के बारे में बताइए। मैं तो ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा कि ये अलग अलग एक्सरसाइज लेकर आऊँगा और ये एक्सरसाइज किस मसल के लिए बनी है वो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं आपकी राय। तो वीडियो हमारा पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं हमारे चैनल जो लोग फिटनेस के अंदर है उन लोगों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।